रीत सदा चल जाए, जाय प्राण बहुवचन न जाए, जौन वचन करे है धनंजय के देव सरकार। कोई के गजरा पहिर के बाबू धनंजय सिंह जई हैं। 4 तारीख के हाँ अखिलेश यादव आवत हैं। 4 तारीख के चार तारीख का जब होली जरी के बाबू मैं मुस्लिम हूँ मगर फैक्ट बात करता हूँ, वो भी तो माफिया हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अतीक अहमद क्या थे? वो भी माफिया हैं। तो आप एक एक तराज में सबको तौलिए ना। मलनी के जो अगर माना जाए मलनी में, तो मलनी में सुपर स्टार गरीबों का मसीहा अगर हो तो धनंजय सिंह है, और हम वोट देना पसंद करेंगे धनंजय सिंह को, लेकिन सरकार पसंद करेंगे अखिलेश यादव को। वहाँ अखिलेश वर्डियन ठीक है। पढ़ा लिखा है ना, मलहनी विधानसभा से धनंजय सिंह खड़ा है और विजयी हो के गजरा पहिर के बाबू धनंजय सिंह जई हैं। 4 तारीख के हाँ अखिलेश यादव आवत हैं। 4 तारीख के चार तारीख का जब होली जरी के बाबू ब्योरा का कर का करता है। 4 के सब कहते अखिलेश सही है, पूरा माहौल बदल रही है। नहीं बाबू कुछ बदली है साहब, जहाँ अखिलेश आए सब वोट मार दिए लक्की के। नहीं नहीं साहब, सबका दिमाग बिल्कुल नहीं साहब, हैदर के कुल रीत सदा चल जाए, जाए प्राण बहुवचन न जाए, जौन वचन करे है धनंजय के देव सरकार। वो हमारा सुना छन गरीबी के पहुँच साहेब, अब वहाँ लिया चला फरके, हमें 2 बीघा फरके बैठाए रहे और धनंजय के सामना पड़ा, तहाँ कहे साहेब ये गर्ज बा ना साहेब, फौरन कहिए कि जा गर्ज तुहार हम पूर करब। चार चार पाँच पाँच लड़की की शादी साहब अपने इलाका में गरीब के कराए दे धनंजय से। अखिलेश यादव जाना था, अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री ने मुलायम को बेटवा, उन कहते नहीं माफिया हैं, गुंडागर्दी करते हैं, सबके मार देते हैं। नहीं हम ओके जब जनता ना आई तो के का बताई के गुंडा गिर हो के रही सब के बात कही, जे के हम बैपर चुका है ओकर हम धरे है गहुआ छोड़ब न साहेब। हम देखे क्लिप देखे है, हम सही है तोरी बात बोला सही जमन। अरे एक काम कैसे कह ले भाई, हमारे पास ना है काहे के, काहे के ना काहे के है कि हमारी खातिर वो अच्छा है, हमारी खातिर धनंजय सिंह कौन गलत है खेला दें, हमारी खातिर ठीक है, हमें अच्छा लगा दें, हमारी खातिर ठीक है। अखिलेश सिंह क्या है जो कहा है हमसे ना मतलब, अच्छा कौन सरकार है जो माफिया ना है यार, कुल में कुछ न कुछ दागी है, हम सब यही यही रहे वाले, यही इतना बड़ा भय है। मुख्यमंत्री गद्दी पर आप लोग किसको बैठाना चाहते हैं? हाँ वहाँ अखिलेश वर्डियन ठीक है। आप बात कर रहे हैं ठाकुर धनंजय सिंह जी की, मुख्तार अंसारी जी सपा में हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वही तो समाजवादी अखिलेश यादव का भैया, वो भी तो माफिया हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं मुस्लिम हूँ मगर फैक्ट बात करता हूँ, वो भी तो माफिया हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अतीक अहमद क्या थे? वो भी माफिया हैं। तो आप एक एक तराज में सबको तौलिए ना। मलनी के जो यहाँ की रन्नों की जनता है जी, धनंजय के पीछे भाग रही है। धनंजय के पीछे इसलिए भाग रही भैया कि उन्होंने काम किया है, गरीबों के साथ काम किया है। जो नेता हमारे सुख दुख में खड़ा होगा हम उसको देखेंगे, जो जो नेता सुख दुख में खड़ा हुआ उसको देखेंगे या सबको देखेंगे। रिपोर्ट है कि एक हरिजन था बनारस में, उसके कोई एडमिट थे, उसको 15 दिन से बंधक बनाए हुए थे, बर्रे पट्टी गांव का था, लेकिन जब वो परेशान हुआ वो सांसद जी के जो प्रतिनिधि थे उनके पास उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने सांसद जी से बात किया, सांसद जी तुरंत अपने 2 आदमी को भेजे और डॉक्टर से बोले कि तुम भेजो चाहे कुछ हो जाए किसी भी तरीके से। वो बेचारा जो है जो जिसको बंधक 15 दिन से बनाए थे, और डॉक्टर जो है अपनी गाड़ी से सांसद जी के फोन एक फ़ोन पे उसके घर तक पहुँचाए। तो अब इससे ज़्यादा क्या, 1,70,000 रुपया बकाया था और 1 रुपया नहीं लगा सिर्फ सांसद जी के एक फ़ोन पे। तो आप ये बताइए कि हमारे लिए वो सांसद जी बेहतर हैं या लकी यादव बेहतर हैं? मान लेते हैं यहाँ की बात मलनी की हो गई जी, लेकिन यहाँ की जो जनता है जी वो मुख्यमंत्री की गद्दी वाला कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में अखिलेश यादव, प्रदेश में अखिलेश जी धनंजय सिंह, हाँ मलनी में धनंजय सिंह जी जी चलेगा है, वो चलेगा क्यों नहीं, बहुत अच्छे से चलेगा। बूथ से घड़ा भरता है, एक लेके बढ़ाया था हैं, बूथ से घड़ा भरता है, हम अपना देखेंगे ना। हाँ पश्चिम से घड़ा भरता है, पश्चिम से घड़ा बिल्कुल। हाँ आइए चाचा जी कहाँ गए, दादा जी कहाँ गए,
आओ भैया, क्या नाम है? मोहम्मद कंबर। मोहम्मद कंबर, मोहम्मद कंबर जी, कंबल नहीं कंबर। कंबर जी, जो भी था जी, मोहम्मद जी जी, ये बताइए जी, अगर मलनी में हाँ कोई नेता भी जीतता है तो हाँ आपसे क्या आप लोग की रहेंगे कि ये चीजें हम लोग के लिए करना चाहिए, क्योंकि आप भी अभी यूथ लग रहे हैं? देखिए, जनता जो है वो तय करती है कौन से नेता हो कौन से ना हो, और अभी तक जब पारसनाथ लकी के पिता थे वो तकरीबन यहाँ से एक बार हारे हैं शायद, हमको जहाँ तक उम्मीद है, उसके बाद हमेशा उनको यहाँ से रनों से ही ज़्यादा वोट पड़ा, मालिनी से वो हमेशा जीते हैं। लेकिन पारस ने कुछ काम किए हैं जो उनकी वजह से, और जो अखिलेश यादव का निशान है साइकिल की वजह से लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन अगर माना जाए मलिनी में, तो मलिनी में सुपर स्टार गरीबों का मसीहा अगर हो तो धनंजय सिंह है, और हम वोट देना पसंद करेंगे धनंजय सिंह को, लेकिन सरकार पसंद करेंगे अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया है, और योगी को हम कभी ज़िंदगी में देखना नहीं चाहते, वो क्या आगे बोलें न्यूज़ वाले आप हैं, लेकिन सरकार हम देखना चाहते हैं अखिलेश यादव की, मलिनी से देखना चाहते हैं धनंजय सिंह।